ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच, पार्थ न एव इह न अमुत्र विनाश तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, पार्थ हे प्रथापुत्र, न एव कभी ऐसा नहीं है, यह इस संसार में न यानी कभी नहीं, अमूत्र अगले जन्म में, विनाशः नाश, तस्य उसका, विद्यते होता है, न यानी कभी नहीं, ही यानी निश्चय ही, कल्याण कृत यानी शुभ कार्यों में लगा हुआ, कश्चित कोई भी, दुर्गतिम पतन को, तात हे मित्र गच्छति जाता है। अध्याय 6 के श्लोक संख्या 40 में श्री भगवान कहते हैं, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तात्पर्य यह है, श्रीमद् भगवत में श्री नारद मुनि व्यास देव को इस प्रकार उपदेश देते हैं, श्रीमद्दागवत में, त्यक्तत्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरे भर्जन पको अथ पतेयतो यदि यत्र क्वा भद्र मभू दमुष्यम किं को वार्थ आपतो भजता स्वधर्मतः। यानी यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें न तो कोई क्षति होती है और न ही पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावना मृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावना मृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि प्राप्त ना हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुँचती है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही उसे ठीक से स्वधर्म आचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वो घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता। जो इस प्रकार से लगा रहता है वो अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर भी पहले की भांति भक्ति करता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों को दृढ़ता पूर्वक करता है किंतु उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं है कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है, मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पार्श्विक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे अनियमित विभाग में जाते हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्यों के सिद्धांतों का पालन करते हैं वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बलि तथा निर्बल लोग पार्श्विक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वह पशुओं की भांति आहार निद्रा भय तथा मैथुन का भोग करते हुए इस संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं वे निश्चय रूप से जीवन में उन्नत करते हैं। कल्याण मार्ग के अनुयायियों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, भौतिक संपन्नता को उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग तथा कृष्ण भावना के भावनामृत के भक्त। प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, सकाम कर्मी तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाले। सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक पहुंच सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक को भी जा सकते हैं, तो भी संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग
से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। शुभ कर्म तो वे हैं जिनसे मुक्ति प्राप्त हो। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता, वो रंच मात्र भी कल्याण पत्र नहीं होता। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है, और जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, वही घोर तपस्या द्वारा पुण्य योगी कहलाता है। चूंकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्य प्रयास करता है, उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। इस श्लोक को हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा असल थोड़ा सा सरल शब्दों में व्याख्या करने की। इसमें श्रीमान भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, ऐसा पुरुष का न तो इस लोक में और न ही परलोक में नाश होता है, क्योंकि कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। मतलब जो भगवान के साथ परस्पर एक टच में रहता है, दिन में उनकी याद करता है, उनको सोचता है, उनके बारे में चीज़ों को स्प्रेड करता है, भगवान से निरंतर जुड़ा रहता है, उस इंसान की कभी कोई दुर्गति नहीं होती। लोक और परलोक दोनों में स्थित सुरक्षित होता है। इस श्लोक में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताई गई कि भगवान कहते हैं कि कल्याण मार्ग पर अग्रसर होने वाले व्यक्ति की न तो इस लोक में कोई हानि होती है और न मरने के पश्चात। इस जन्म में जितना साधन आत्मोन्नति के लिए कर लिया जाता है, उसका फल तो स्थिर है और अचल भी। इसलिए ऐसे मनुष्य का न तो इस जन्म में पतन होता है और न मरने के बाद ही उसकी कोई हानि होती है। परंतु इसमें यह आवश्यक है कि साधक के मन में योग के प्रति श्रद्धा के भाव में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यदि मन वश में नहीं रहे तो कोई हानि नहीं, परंतु यदि साधना के प्रति उसकी कोई भी दूरी आए, यानी साधना के लिए मन ना लगे या साधना में मन ना लगाए, अश्रद्धा उत्पन्न हो, तो उसकी बड़ी हानि हो सकती है। ऐसा बहुत देखने में आता है कि मनुष्य किसी महात्मा के थोड़े से संघ के कारण उत्साह की एक लहर में कुछ दिन साधन करता है और कुछ दिन बाद में वो साधन छोड़कर पुनः संसार के प्रति आसक्ति के पुराने भाव में बहने लगता है। यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि साधन के प्रति भाव श्रद्धा का ही रहे, परंतु यदि मन में चंचलता शेष रह जाए और विवेक और वैराग्य पूरे तौर पर विकसित हो पाए, तो साधक की इस लोक में या परलोक में कभी कोई हानि नहीं होती। यदि कोई हानि नहीं होती तो फिर क्या गति होती है, इसको बताते हुए आगे के श्लोकों का भगवान वर्णन करते हैं। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समः सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टः अभिजायते। प्राप्य यानी प्राप्त करके, पुण्य कृताम पुण्य कर्म करने वालों के, लोकान लोकों में उषित्वा निवास करके, शाश्वती ही अनेक समाह वर्ष सुची नाम पवित्र आत्माओं के, श्रीमताम संपन्न लोगों के गेहे घर में योग भ्रष्ट आत्म साक्षात्कार के पथ से च्युत व्यक्ति अभिजायते जन्म लेता है। असम योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के पश्चात या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या किसी धनवानों के कुल में जन्म लेता है। असफल योगी की दो श्रेणियां हैं, एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, दूसरे वे जो दीर्घकाल तथा योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है, वो स्वर्गलोक को जाता है, जहाँ केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहाँ पर दीर्घकाल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वो किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है,
जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो लोग अध्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभन के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवार में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। इस श्लोक में भगवान ने कहा है कि आप जो योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गाधिक उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उसमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेते हैं। योग भ्रष्ट का जन्म शुद्ध व संपन्न परिवार में कैसे होता है? इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण आश्वासन दिया है भगवान ने कि इस प्रकार जो साधक योग साधन में पूर्ण श्रद्धा रखता हुआ भी यदि मन की चंचलता को रोकने में असमर्थ रहता है तो मरने के पश्चात वह स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। उसमें बहुत वर्षों तक सुख भोग करने के पश्चात फिर उसको मनुष्य योनि मिलती है। मनुष्य योनि मिलने पर वो किसी ऐसे ऐश्वर्य संपन्न परिवार में जन्म लेता है जहाँ का वातावरण शुद्ध और साधन करने में सहायक होता है। इसका तात्पर्य है कि जो शुभ कर्म होते हैं साधक के द्वारा किए गए हैं उनका फल तो उसे पूरा पूरा ही मिलता है, साथ ही मन की चंचलता के कारण जो साधन पूरा होने से रह गया था उसके पूरा करने के लिए भगवान फिर से उसे एक अवसर देते हैं। ऐसे जन्म में उसे संपन्नता का वातावरण मिलता है। वो ऐसा नहीं होता जो उसकी भोगा शक्ति को बढ़ाए, बल्कि ऐसा होता है कि चारों ओर सुख सुविधाओं से घिरा होने पर भी वो अपने पिछले जन्म में अधूरे छूटे हुए साधन को इस जीवन में पूरा कर ले जाता है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति उच्च कोटि के साधक होते हैं और साधना के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हुए मन के विचलित हो जाने से योग भ्रष्ट हो जाते हैं, उनका एक अन्य उत्कृष्ट गति होती है, उसे बताते हुए भगवान आगे के श्लोकों का वर्णन करेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।